अगर आप Google Play Store पर जाकर लगातार किसी ऐप को 1 रेटिंग दें, साथ ही नेगेटिव कमेंट्स भी करें, तो उस ऐप पर इसका क्या असर पड़ता है? क्या इसकी वजह से उस ऐप के डिलीट होने या फिर बैन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर कहीं आपकी अपनी आईडी पर इसका कोई असर तो नहीं पड़ता? जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ दी ऑन गोइंग YouTube वर्सेस TikTok कॉन्ट्रोवर्सी की, जिसके बाद TikTok की जो रेटिंग है गूगल प्ले स्टोर पर गिर गई है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और जानेंगे कि रेटिंग डाउन होने से, प्ले स्टोर पर रेटिंग डाउन होने से टिकटॉक पर इसका क्या असर पड़ेगा, और साथ ही ये भी जानेंगे कि रेटिंग डाउन होने की वजह से क्या कोई ऐप बैन हो सकता है या फिर नहीं। तो एज यू नो कि पूरी यूएसए में टिकटॉक की जो रेटिंग है गूगल प्ले स्टोर पर वो 1.2 तक चली गई है, और इसकी वजह ये रही है कि पॉपुलर यूट्यूबर्स कि जो फैंस एंड फॉलोअर्स हैं उनका गुस्सा जो है टिकटॉक पर निकला है। उन्होंने प्ले स्टोर पर जाकर टिकटॉक को 1 रेटिंग दी है, साथ ही नेगेटिव रिव्यूज और नेगेटिव कमेंट्स भी किए हैं। जिस वक्त प्ले स्टोर पर टिकटॉक की रेटिंग 4.5 थी, उस वक्त तक इस ऐप को प्ले स्टोर पर करीब 22 मिलियन यानी कि 22 मिलियन रिव्यूज मिले हुए थे, और उसके बाद करीब 1 मिलियन यूजर्स ने टिकटॉक को 1 रेटिंग दी, और उस वजह से ऐप की रेटिंग गिरकर हो गई 2.6। और अगले दिन तक टिकटॉक को 3 से 4 मिलियन रिव्यूज और मिले, और फिर ऐप की रेटिंग घटकर 1.2 तक पहुंच गई, और इस तरह लोगों ने प्ले स्टोर पर जाकर टिकटॉक पर अपना गुस्सा निकाला और साथ ही ऐप को बैन करने की भी डिमांड की। प्ले स्टोर पर किसी ऐप को 1 रेटिंग देने से आखिर होता क्या है? तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि अगर किसी ऐप को 1 रेटिंग दी जा रही है और वो बल्क में नहीं दी जा रही बल्कि उसके पीछे कोई जेन्युइन रीज़न है, तो ऐप की जो रेपुटेशन है उस पर सवाल उठता है, उस पर क्वेश्चन मार्क्स लगते हैं। साथ ही जिन वजह से वो 1 रेटिंग दी जा रही है और नेगेटिव कमेंट्स किए जा रहे हैं, उन इशूज़ को कंपनी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन अगर किसी ऐप को बल्क में 1 रेटिंग दी जाए, जैसा हमने यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी में देखा, तो उस ऐप की रेपुटेशन पर तो फर्क पड़ता है, लेकिन उस ऐप को प्ले स्टोर से हटा लिया जाए या फिर उसको बैन कर दिया जाए ऐसा नहीं होता। यानी कि रेपुटेशन पर फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन ऐप बैन नहीं होता। जनरली गूगल धीरे धीरे बल्क में दिए गए नेगेटिव कमेंट्स को हटा लेता है, और फिर कुछ दिन के बाद जिस ऐप को बल्क में नेगेटिव रेटिंग दी गई है, 1 रेटिंग दी गई है, उसकी रेटिंग रिस्टोर कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको टिकटॉक के टेक्स्ट में देखें, तो जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस वक्त टिकटॉक की जो रेटिंग है वो 1.6 है। हो सकता है कि जब तक ये आप तक पहुंचे उसके बाद ये रेटिंग बढ़ जाए, लेकिन अभी जो है वो 1.6 है, और जो कमेंट्स हैं, जो रिव्यूज हैं यहां पर, वो भी 27 मिलियन है। पहले 28 मिलियन थे और इस वक्त 27 मिलियन है, यानी कि 1.2 से रेटिंग 1.6 चली गई है, और कमेंट जो है 28 मिलियन से 27 मिलियन यानी 10 लाख कमेंट्स गूगल ने इस बार हटा लिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किसी ऐप को प्ले स्टोर पर बल्क में 1 रेटिंग देने से क्या होता है, और साथ ही आपने ये भी जाना कि ऐसा पहले किन किन ऐप के साथ हो चुका है। आपको ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा ये?